हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हमने लास्ट क्लास में अरे का इंट्रोडक्शन देखा था, तो आइए जल्दी से हम अरे की प्रोग्राम्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। और आज की क्लास में मैं आपको कोडिंग प्लेटफॉर्म्स का इंट्रोडक्शन भी देने वाला हूँ। मीन्स कोडशेफ क्या होता है, जैसे कि कोडशेफ आपने सुना होगा, या फिर GFG का प्रैक्टिस मॉड्यूल क्या होता है, और हम आज उस पर कोड करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और एक प्लेटफॉर्म होता है कोड स्टूडियो, जो कोडिंग निंजास का है। तो आइए जल्दी से पहले मैं आपको अरे यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं वो बता देता हूँ। अरे का इंट्रोडक्शन हमारा हो चुका है, सो दैट हम जल्दी से प्रोग्राम्स आज की क्लास से स्टार्ट कर देते हैं। देखिए जल्दी स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है, एक सैम्पल प्रोग्राम है, ठीक है। सैम्पल प्रोग्राम नहीं, सैम्पल टेम्पलेट है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा इंट n, यानी कि एक वेरिएबल लिया, ठीक है। और उसके बाद लिया मैंने सीन। देखिए अब आपको इसको डेकोरेट करना है तो आप डेकोरेट कर सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्टली डेकोरेशन, यानी क्या भाई, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे सी आउट में मैंने मैसेज प्रिंट करवा दिया, एंटर अरे साइज, ठीक है, एंटर अरे साइज। तो बेटा मुझे बताइए ये प्रिंट करना जरूरी है क्या? बिल्कुल नहीं, आपको करवाना है तो करवाइए, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में ये सब डेकोरेशन होता नहीं है। चलिए पर अब अगर हमने यूज़र को बोल ही दिया है कि भाई एंटर करो नंबर, तो हम वो काय में ले लेंगे एन में। मुझे बताइए ऐसा करने से यूज़र हमें क्या दे देगा, एक एन नंबर दे देगा, वो हमने सीन यानी कि स्कैनएफ के जैसा हमने एन में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद मैं एक अरे क्रिएट कर देता हूँ, कितनी साइज का कर देता हूँ भाई, एन साइज का। देखिए ये जो मैं अरे क्रिएट कर रहा हूँ, दिस इज़ रॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ कोडिंग, यानी कि ऐसा अरे क्रिएट करना नहीं चाहिए, ठीक है। क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे बताइए, अगर किसी यूज़र ने एन हमारा निगेटिव नंबर दे दिया या फिर जीरो दे दिया, तो क्या हम जीरो साइज का या फिर निगेटिव साइज का अरे क्लियर करेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे कैसे, अरे का सही तरीका क्या है वो हम आगे की क्लासेस में देखेंगे, जब हम क्या देखेंगे, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन देखेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि अरे इनिशियलाइज करना सही कैसे होता है। ये हमारी क्या है, रॉन्ग प्रैक्टिसेस है, पर फिलहाल हम काम चला लेते हैं, ठीक है। इंट ए ऑफ एन लिखा मैंने, यानी कि मैंने कि एन साइज का क्या किया, अरे क्रिएट किया। चलिए मुझे यूज़र से इनपुट लेना आपको सिखाना है, बहुत ही सिंपल है। हम यहाँ पे एक सी आउट करके एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, क्या मैसेज प्रिंट कर देते हैं भाई, एंटर अरे एलिमेंट्स, ठीक है, एंटर अरे एलिमेंट्स, ठीक है। अब मुझे बताइए अगर हमने एंटर अरे एलिमेंट्स प्रिंट किया तो यूज़र क्या करेगा भाई, यूज़र एलिमेंट्स देना स्टार्ट कर देगा, और वो हमें क्या करने हैं, एक एक करके अरे में स्टोर करने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये क्या काम कर देता हूँ फॉर लूप से, ठीक है, फॉर इंट आई इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन एन ले लेते हैं क्योंकि हमने अरे की साइज ली है एन में, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीन, ठीक है, सीन ए ऑफ आई। इतना लिखने से हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये पूरा का पूरा अरे ए ऑफ आई नाम के ए नाम के अरे में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये अरे तो हमने प्रिंट कर ये कर दिया, पर अब मुझे अरे देखना है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये अरे प्रिंट भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ क्या, एंटर, ठीक है, या फिर अरे इज, बस सिंपली, ठीक है, अरे इज, बस हमें क्या करना है, अरे देखना है, ठीक है। उसके बाद मैं कर देता हूँ यहाँ पे फिर से अगेन फॉर लूप, ठीक है, क्योंकि मुझे बताइए अगर यूज़र ने अगर एन कोई एक बड़ा सा नंबर दे दिया जैसे कि 100, तो मुझे बताइए 100 एलिमेंट इनपुट लेने के लिए हमने फॉर लूप लगाया, 100 एलिमेंट प्रिंट करने के लिए हम क्या कर देंगे, फॉर लूप। हम एक एक मैन्युअली लास्ट क्लास के जैसा प्रिंट नहीं करेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने सब कुछ मैन्युअली किया था, यूज़र से एक फिक्स इनपुट ले लिया था, फिक्स इनपुट नहीं लेना है हमें, रन टाइम पे इनपुट लेना है इस क्लास में, ठीक है। चलिए आई प्लस प्लस, और मुझे क्या करना है, सिर्फ ये अरे प्रिंट करना है, ठीक है। तो ये देखिए सी आउट, ओके, ये मिस्टेक है यहाँ पे, सी आउट में क्या आ जाएगा हमारा, सबसे पहले तो मैं कर देता हूँ ए ऑफ आई, पर मुझे अरे के एलिमेंट्स कंटिन्यू में नहीं चाहिए, दो एलिमेंट्स के बीच में क्या चाहिए भाई, एक स्पेस चाहिए, तो मैं स्पेस डाल देता हूँ। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। देखिए क्या लिखा है मैंने, इंट एन वेरिएबल मैंने ये किया डिक्लेयर, एंटर अरे साइज वो मैंने एन में ले ली, फिर मैंने एन साइज का अरे क्रिएट किया, एंटर अरे एलिमेंट्स, और वो हमने फॉर लूप से कायमे डाल दिए, अरे में हमने स्टोर कर दिए, फिर अरे इज, और वो अरे मैंने प्रिंट करवा दिया। आइए जल्दी से मैं इसको क्या कर देता हूँ, रन कर देता हूँ, ठीक है। हाँ देखिए इसको हमने रन किया, एक मिनट रुक जाइए, ये क्या दे रहा है हमें, नहीं अभी तक ये रन हुआ नहीं है, चलिए फिर से रन कर देते हैं। फिर से रन कर लेने के बाद हाँ देखिए ये क्या बोल रहा है हमें, एंटर अरे साइज। फिलहाल मैं एक छोटा सा इनपुट दे देता हूँ, सपोज मैंने दिया 3, ठीक है, तो 3 देने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, एंटर अरे एलिमेंट्स। देखिए मैंने दे दिया यहाँ पे 10, 20, 30, तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, अरे इज 10, 20, 30। चलिए आइए मैं आपको इसको क्या कर देता हूँ जल्दी से,
इसको हटा देते हैं और ड्राई रन कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए मुझे एक बात बताइए कि मैंने आपको बोला कि ये जो हमने लिखा है int n और फिर हमने क्या किया n साइज का अरे क्रिएट किया, कि ये क्या है हमारी रॉन्ग प्रैक्टिस है। तो भाई हमें ये अगर रॉन्ग प्रैक्टिस है तो हमें करना क्या चाहिए था, बहुत ही सिंपल है, हमें ये करना चाहिए था, हमने int a ऑफ क्या कर लेना चाहिए था 1000, ठीक है, और उसके बाद हमने यूजर से क्या लेना चाहिए था int n और उसके बाद हम क्या ले लेते थे सीन सीन एन, यानी हम यूज़र से नंबर ले लेते थे और उसके बाद यूज़र ने क्या किया उसको n एलिमेंट्स इनपुट लेने हैं, तो हम फॉर लूप क्या कर चलाते थे ऐसा ही चलाते थे और ये प्रिंट करने के लिए भी ऐसा ही फॉर लूप चलाते थे और हम ऐसा एज्यूम कर लेते थे कि यूज़र जो n की वैल्यू देगा वो क्या देगा भाई लेस देन 1000 देगा, यानी कि इसका मतलब ये भी हुआ कि मैंने 1000 एलिमेंट्स का अरे तो क्रिएट कर दिया पर यूज़र ने सपोज n की वैल्यू क्या दे दी 3, यूज़र ने n की वैल्यू क्या दे दी 3, इट मीन्स यूज़र सिर्फ उस अरे के 3 एलिमेंट्स ही यूज़ कर रहा है, पर मेमोरी में जैसे ही मैंने लिखा ये int a ऑफ 1000 इसका मतलब मेमोरी में जगह कितनी क्रिएट होंगी भाई, मेमोरी में जगह तो क्रिएट होंगी 1000 एलिमेंट्स की, 1000 इंटीजर वेरिएबल्स हम स्टोर कर सकते हैं और वो भी उसमें भी एक एक इंटीजर वेरिएबल को स्टोर करने के लिए कितनी जगह लगती है 4 bytes, यानी कि अगर हमने ये 1000 एलिमेंट्स का अरे क्रिएट किया है तो बेटा यहाँ पे क्या होने वाला है 4 × 1000 इतने बाइट्स की मेमोरी हमें लगेंगी, पर हम यूज़ कितनी कर रहे थे सिर्फ 3। अब देखिए ये हमने ऐसा इनपुट क्यों किया इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में जब हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन देखेंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल तो मैं आपको इस कोड को क्या कर देता हूँ ड्राई रन कर देता हूँ। मुझे बताइए बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे क्या है int n से क्या हो जाएगा, देखिए जल्दी से हमारा n नाम का एक वेरिएबल बनेगा, ठीक है, और उसके बाद एंटर द साइज या आउटपुट डिवाइस पे प्रिंट होगा क्योंकि हमने सी आउट पे लिखा हुआ है, फिर सी इन एन, सपोज यूजर ने 3 दिया तो वो 3 कहाँ में जाएगा भाई n में जाएगा, फिर हमारा एंटर अदर एलिमेंट्स डायरेक्ट आउटपुट डिवाइस पे मैसेज प्रिंट होगा, फिर i इक्वल टू 0 इनिशियलाइज होगा इस फॉर लूप में, ठीक है भाई ये i इक्वल टू 0 इनिशियलाइज हुआ, ठीक है, फिर कंडीशन चेक होगा 0 < 3 यस अंदर गए सी इन a ऑफ 0, अरे भाई ये सी इन a ऑफ 0 यानी क्या, जैसे कि देखिए ये int a ऑफ n यानी int a ऑफ 3 जब था तब हमारा 3 एलिमेंट्स का क्या हुआ था भाई अरे क्रिएट हुआ था, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए इसको हम थोड़ा सा ये कर देते हैं, हाँ अच्छा ये पूरा ही मिट जा रहा है, ठीक है चलिए कोई बात नहीं हम इसको वापस से लिख देते हैं, हाँ आ जाइए क्या था हमारा हमारा 3 एलिमेंट्स का क्या बनेगा अरे बनेगा पहले जिसका नाम क्या रखा जाएगा ए, सपोज इसकी स्टार्टिंग एड्रेस क्या है 100, ठीक है ये यहाँ पे स्टेटमेंट में, उसके बाद हमने फॉर लूप से क्या किया आई को इनिशियलाइज किया और हम एलिमेंट्स लेना चाहते हैं एक एक करके, ठीक है आई इक्वल टू 0 सबसे पहले तो ये क्या बन जाएगा 0 < 3 यस अंदर गए सी इन ए ऑफ 0 यानी कि यूजर ने पहला एलिमेंट जो दिया वो बाय डिफॉल्ट कहाँ जाएगा ए ऑफ 0 पे, ये 0 1 2 हमारे अरे की क्या है इंडेक्स नंबर, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर एन साइज का अरे है तो इंडेक्स नंबर होते हैं 0 से n-1 तक, ठीक है उसके बाद ये हमारा पहला एलिमेंट आ गया, उसके बाद i++ यानी आई क्या हो जाएगा 1 और ये इंक्रीमेंट होने के बाद इधर जाएगा 1 < 3 यस अंदर गए तो एक और एलिमेंट हमें यूज़र से लेना पड़ेगा, यूज़र ने सपोज क्या दे दिया 20 तो वो हमारे यहाँ पे आ जाएगा, देन अगेन i++ आई क्या हो जाएगा 2 और 2 < 3 यस अंदर गए एक और इनपुट ले लेंगे, सपोज मैंने थर्ड एलिमेंट दिया था 30, ठीक है उसके बाद हमारा आई क्या हो जाएगा आई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 यहाँ से और उसके बाद कंट्रोल यहाँ जाएगा बताइए 3 < 3 फॉल्स, तो हम इस फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे और सीधा सीधा इस स्टेटमेंट पे आ जाएंगे सी आउट अरे इज। अब मुझे बताइए अरे इज यानी क्या भाई, अरे क्या है वो हमें ये अरे इज तो प्रिंट होगा आउटपुट डिवाइस पे और उसके बाद फिर से ये फॉर लूप चलेगा और एक एक करके हमारा एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा, जैसे मैंने ऊपर का फॉर लूप आपको ट्रेवर्स करके बताया वैसे ही नीचे का फॉर लूप ट्रेवर्स होगा और हमारा आउटपुट 10, 20, 30 आ जाएगा, ठीक है आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है पर मुझे क्या करना है प्रोग्राम स्टार्ट करने, आइए जल्दी से हम प्रोग्राम स्टार्ट कर देते हैं और हम क्या देखते हैं कि कोडिंग प्लेटफॉर्म्स पे कोडिंग कैसे की जाती है, तो मैं आपको उसकी थोड़ी सी आइडिया भी दे देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, देखिए ये क्या है ये हटा देते हैं फिलहाल, हाँ आ जाइए ये क्या है हमारा सम ऑफ अरे और ये जो हमारा पोर्टल है ये कौन सा GFG का प्रैक्टिस मॉड्यूल है, GFG यानी गिग्स फॉर गिग्स नाम की एक वेबसाइट है उसमें आप टाइप पे जाइए प्रैक्टिस में, अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हो तो आप क्या कर लीजिएगा वहाँ पे ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लीजिएगा, ठीक है। और ये मैंने एक अदर टैब पे देखिए क्या किया हुआ है, अदर टैब पे मैंने यहाँ पे एक मिनट ये हाँ कोड स्टूडियो है ये, हाँ कोड स्टूडियो यानी कि कोडिंग निंजास का जो एक कोडिंग प्लेटफॉर्म है वो कौन है कोड स्टूडियो, और यहाँ पे भी देखिए मैंने सेम क्वेश्चन ओपन किया हुआ है प्रिंट अरे सम। अब देखिए ये कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस होते कैसे हैं
उसकी मैं आपको थोड़ी सी आइडिया दे देता हूँ। मेनली उसमें फाइव थिंग्स होती है, कौन कौन सी। सबसे पहले तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट यानी कि एक डिस्क्रिप्शन होता है पैराग्राफ के फॉर्म में। देखिए भाई यहाँ पे डिस्क्रिप्शन क्या है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है प्रॉब्लम का, गिवन एन अरे ऑफ लेंथ एन यू नीड टू फाइंड एंड प्रिंट सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द अरे। ठीक है भाई, यानी कि ये एक पैराग्राफ के फॉर्म में हमें डिस्क्रिप्शन दिया रहता है कि हमें करना क्या है। ठीक है, उसके बाद देखिए डिटेल एक्सप्लेनेशन पे दिया हुआ है इनपुट फॉर्मेट। इनपुट फॉर्मेट यानी क्या, बहुत ही सिंपल है, एन इंटीजर एन दैट इज साइज ऑफ अरे। यानी कि लाइन वन में हमें इनपुट क्या लेना है, एक नंबर लेना है यूजर से एन। ठीक है, लाइन टू एन इंटीजर एन इंटीजर्स विच आर एलिमेंट्स ऑफ अरे, यानी कि पहले हमें एक नंबर लेना है एन, सपोज मैंने दिया थ्री, तो वो बोल रहा है कि लाइन टू पे आप क्या कीजिए, जितना भी आपने एन टाइप किया उतने इंटीजर नंबर्स यानी कि अरे इनपुट लीजिए सेपरेटेड बाय स्पेस। ठीक है, आउटपुट फॉर्मेट सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, सम प्रिंट करनी है। ठीक है, फिर ये होते हैं कंस्ट्रेंट्स। देखिए ये कंस्ट्रेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, कंस्ट्रेंट इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हम जो ये डीएसए की प्लेलिस्ट देख रहे हैं मेनली ये प्लेसमेंट और कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग का बेस क्रिएट करने के लिए देख रहे हैं, तो ये कंस्ट्रेंट का बहुत ज़्यादा यूज होता है। जब भी हमारे प्रोग्राम में एरर आएंगी या फिर सबमिट नहीं होगा, रॉन्ग आंसर्स आएंगे या फिर टीएलई टाइम लिमिट एक्सीड आएगा या रॉन्ग आंसर्स आएंगे, तब मैं आपको कंस्ट्रेंट का क्या यूज़ है, कंस्ट्रेंट को देख के कैसे हमें कोड को चेंज करना चाहिए या कंस्ट्रेंट को देख के हम एज केसेस कैसे डिस्कस करेंगे। देखिए एज केसेस यानी क्या होते हैं, सभी टेस्ट केसेस एक जैसे नहीं होते हैं, कोई कोई रैंडम टेस्ट केस भी होते हैं। ठीक है, यानी जिनके लिए हमें थोड़ा सा अलग से लॉजिक इंप्लीमेंट करना होता है, सभी के लिए हम सेम लॉजिक इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपको एक मैं शॉर्ट एग्जांपल दे दूं, सपोज मैं अरे का मैक्सिमम एलिमेंट निकाल रहा हूं, ठीक है, पर कंस्ट्रेंट में यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ये जो एन है वो यहाँ पे वन नहीं जीरो दिया हुआ है। भाई कंस्ट्रेंट हम क्या करेंगे, भाई हमारा जो एन है वो कहाँ से कहाँ तक रहेगा, जीरो से लेके 10^6 तक। तो मुझे बताइए एन इक्वल टू जीरो के लिए तो हमें अलग से क्या करना पड़ेगा, मुझे बताइए जीरो एलिमेंट्स का आप लार्जेस्ट एलिमेंट कैसे निकालोगे। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ कोडिंग क्वेश्चन में दिया होगा आपको कि अगर हमारा अरे क्या है जीरो साइज का है तो आप क्या कीजिए, रिटर्न -1 करवा दीजिए, ऐसा कुछ ना कुछ प्रिकॉशन हमें लेना पड़ेगा। यानी कि एज केसेस क्या होते हैं डिटेल में देखेंगे हम। उसके बाद देखिए क्या बोला इसने, नोट फॉर C++, इट इज एडवाइजेबल टू डिक्लेयर एन अरे विद अ साइज दैट कैन अकोमोडेट ऑल द एलिमेंट्स, कंसिडर दैट द एन हैज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 10^5। ठीक है, देखिए सबसे पहले होता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट यानी पैराग्राफ के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन प्रॉब्लम का, उसके बाद इनपुट फॉर्मेट, आउटपुट फॉर्मेट, उसके बाद कंस्ट्रेंट, ये कंपलसरी थिंग्स है। उसके बाद ये सैम्पल इनपुट, देखिए क्या है, दो लाइन का इनपुट लेना है, पहले क्या थ्री क्या है, ऐसा समझिए वो एक अरे की साइज है, और अगर पहली लाइन में हमने थ्री लिया यूजर से तो तीन एलिमेंट्स नीचे हमें लेने पड़ेंगे, और उसके बाद हमें प्रिंट क्या करना है, सम। आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, चलिए एक ये क्वेश्चन था और एक हमारा ये GFG के हमारे प्रैक्टिस मॉड्यूल में है। चलिए दोनों ही पोर्टल्स पे मैं सॉल्व कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के लिए हमें करना क्या होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने कंपाइलर सेलेक्ट कर लिया, कंपाइलर आपको जो चाहिए, मैं C++ में करना चाहता हूँ तो मैंने क्या किया है C++ लिया है, और यहाँ पे देखिए इंट मेन, और ये हमें क्या है कोड लिखने के लिए हमें उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, देखिए बहुत सारे कोडिंग प्लेटफॉर्म्स हमें पूरी कंप्लीट कोडिंग करवाते हैं, और बहुत सारे कोडिंग प्लेटफॉर्म्स हमें क्या करवाते हैं, सिर्फ कोर पार्ट यानी कि सिर्फ जो फंक्शन डेफिनेशन है वो हमें कंप्लीट करनी होती है। ठीक है, इट मींस कि ड्राइवर्स कोड लिखा हुआ होता है। जैसे कि देखिए ये मैंने दो पोर्टल्स इसलिए ओपन करके रखे हैं कि यहाँ पे इंट मेन दिया हुआ है और कुछ भी लिया हुआ नहीं है। देखिए क्या लिखा है, रीड इनपुट एज एन स्पेसिफिक प्रिंट आउटपुट। ठीक है, यानी कि यहाँ पे वो हमें कंप्लीट कोड करने के लिए बोल रहा है, पर यहाँ पे देखिए ये हमारे GFG के पोर्टल क्या है, ये हमें क्या बोल रहा है, ड्राइवर्स कोड लिखा हुआ है। देखिए ये ड्राइवर्स कोड एंड्स और ये ड्राइवर कोड्स एंड, यानी कि ये हमें इसने क्या किया है, ड्राइवर्स कोड लिख के दिया है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे उसने अरे इनपुट लिया हुआ है, अगर टेस्ट केसेस का प्रोविजन होगा तो टेस्ट केसेस का भी प्रोविजन इसने किया होगा। आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे ये ड्राइवर कोड लिखा है, सिर्फ हमें एक फंक्शन दिया गया है, कौन सा, सम नाम का। ठीक है, जिसको इनपुट पैरामीटर्स आ रहा है एक अरे ARR नाम का और एक एन नाम की क्या आ रही है, साइज आ रही है। आई होप आप समझ रहे हो, और हमें यहाँ पे सिर्फ इस फंक्शन की डेफिनेशन को कंप्लीट करना है। मीन्स हमारी कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के जो प्लेटफॉर्म्स है वो हमें दो तरीके से कोड लिखने के लिए ऑफर करते हैं, या तो आप कंप्लीट कोड लिखिए, देखिए यहाँ पे जैसे इंट मेन लिखा है और कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, और सेकेंडली हमारा क्या है, पूरा प्रिकॉशन मीन्स ड्राइवर्स कोड यानी कि इन्होंने क्या किया, हमें सेटअप करके दी हुई है पूरी, हमें सिर्फ क्या करनी है, फंक्शन की डेफिनेशन कंप्लीट करनी है। आइए जल्दी से दोनों भी देख लेते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों भी फॉर्म में डिफरेंस क्या है, और नेक्स्ट क्लास में आपको मैं डिटेल दूंगा कि टेस्ट केसेस क्या होते हैं। ठीक है,
फिलहाल हम एक सैंपल प्रोग्राम रन कर लेते हैं, ठीक है। जल्दी बताइए मुझे क्या करना है, यूजर से एक एलिमेंट इनपुट लेना है, तो मैं यहाँ पे जल्दी से कर देता हूँ इंटीजर एन, ठीक है। इंटीजर एन के बाद हम क्या कर देते हैं, और सी इन एन, ठीक है, यानी कि हम नंबर एक क्या करते करना चाहते हैं, यूजर से लेना चाहते हैं। जल्दी बताइए, ये नंबर लिया हमने, हाँ। अब ये नंबर लेने के बाद हमें क्या करना है, एन एलिमेंट्स हमें यूजर से लेने हैं, ठीक है। तो मैं एक काम कर देता हूँ, मैं यहाँ पे सॉरी int a ऑफ n, n साइज का अरे बना देता हूँ। अब देखिए मुझे यहाँ पे ये पता है कि n की वैल्यू क्या होने वाली है, मिनिमम 1 होने वाली है, और मैक्सिमम क्या होने वाली है, 10^6 होने वाली है, ठीक है। देखिए अब ये कंस्टेंट्स में अगर n की वैल्यू यहाँ पे बहुत बड़ी रहती थी तो मैं यहाँ पे इंटीजर नहीं लेता था, क्या ले लेता था, लॉन्ग, यानी यहाँ पे मैं लॉन्ग इंट ले लेता था, ठीक है। चलिए ये मैंने क्या किया, इंट ए ऑफ एन, ठीक है। इंट ए ऑफ एन करने के बाद मैंने ये अरे डिक्लेयर किया, जल्दी से हम क्या ले लेते हैं, यूजर से इनपुट, यूजर हमें इनपुट तो दे ही रहा है, सिर्फ हमें क्या करना है, उसको रिसीव करना है। तो मैंने किया आई इक्वल टू 0, और उसके बाद हमने किया आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है। और ये हमें क्या करना है, इनपुट लेना है, तो मैंने लिख दिया सी इन ए ऑफ आई, यानी कि ए ऑफ आई नाम के अरे में हमने इनपुट ले लिया। आई होप आप समझ रहे हो, यूजर पहले एक नंबर दे रहा है, देखिए वो मैंने यहाँ पे लिया, और फिर वो एक अरे दे रहा है, अरे के एलिमेंट्स दे रहा है, यानी एन एलिमेंट्स मैंने इनपुट ऐसे लिए। अब मुझे करना क्या है, मुझे सम को प्रिंट करना है। तो देखिए जल्दी से मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे इंटीजर एक सम इक्वल्स टू 0, एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर देता हूँ, और उसको क्या कर 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ, और हम क्या कर देते हैं, फिर से एक फॉर लूप चला देते हैं, यानी कि पूरा अरे ट्रेवर्स करते हैं स्टार्टिंग से आखिरी तक। देखिए इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, और ये हमने ले लिया आई प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखा, क्या, ये जो हमारा सम है, ये सम इक्वल्स टू सम प्लस ए ऑफ आई। आई होप आप समझ रहे हो ये मैंने क्यों लिखा, ठीक है। मैं आपको ये कोड आपको क्या कर देता हूँ, ड्राई रन भी करके देता हूँ, ठीक है। फिलहाल हम क्या कर देते हैं, इसको लिख के सबमिट कर देते हैं, सो देट आपको आइडिया आ जाएंगे कि कैसे कोडिंग प्लेटफॉर्म पे हम कोड कर सकते हैं। देखिए int i equal to 0, ls den n, i plus plus, हमने क्या किया, sum equals to sum plus a of i, यानी एक एक करके एलिमेंट यहाँ पे अरे का आएगा और वो सम में ऐड हो जाएगा, और आंसर भी स्टोर कायम होगा सम में। और अब वो सम मुझे क्या करनी है, सिर्फ प्रिंट करनी है, ठीक है। प्रिंट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, एक लाइन और नीचे आ जाते हैं, ठीक है, और हम यहाँ पे कर देते हैं सी आउट, ठीक है, सी आउट सम, ये सम नाम का जो वेरिएबल ये प्रिंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए रन करके देखते हैं, सपोज मैंने इसको क्या किया, रन किया, हाँ। तो देखिए ये टेस्ट केसेस, ये तीनों भी टेस्ट केस मेरे क्या हो गए, पास हो गए, क्योंकि ग्रीन टिक आ गया, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सबमिट। तो ये हमने आपको इसको कर दिया सबमिट, देखिए वो क्या बोल रहा है, कंपाइलेशन चेक, हाँ। देखिए सबमिट करने के बाद हमारे क्या थे, 6 टेस्ट केसेस थे, सभी के सभी पास हो गए। अब रही बात कि ये कैसे वर्क करता है, चलिए हम इसको समझते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। देखिए ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखिए ये कोडिंग प्लेटफॉर्म्स है, ये आपको बहुत कुछ इस तरीके के वन डे स्ट्रीक, ठीक है भाई, आप कंटिन्यू एक दिन से कोडिंग कर रहे हो तो आपको कंटिन्यू कोड करना है, ये आपको ऐसा बोलेंगे, ठीक है। ये फिलहाल तो हमारा, ठीक है, आ जाइए प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे। जल्दी से मैं इसको क्या कर देता हूँ, आपको ड्राई रन कर देता हूँ, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल है, ये हमने इंट एन, आ जाइए इधर, ठीक है, हाँ। ये देखिए ये इंट एन सी इन एन, यानी कि हमने एक एन नाम का वेरिएबल ये क्या किया, डिक्लेयर किया, और इसका इनपुट हमने यूजर से लिया। सपोज यूजर ने क्या दिया होगा भाई, 3 दिया होगा, तो मुझे बताइए फॉर आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एन, हमने क्या किया, यूजर से इनपुट लिए 3 एलिमेंट्स, कैसे, देखिए एक अरे बनाऊंगा एन नाम का, और इसमें सपोज हमने इनपुट ले लिया 10, 20, 30, मैंने ये अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, ठीक है। उसके बाद इंट सम इक्वल टू 0, यानी कि एक ये ए नाम का अरे बना, और उसके बाद एक सम नाम का वेरिएबल बना, ठीक है। सम नाम का वेरिएबल में क्या आ गया भाई, 0, ठीक है। फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, यानी कि मैं पूरे अरे को ट्रेवर्स कर रहा हूँ, और कर क्या रहा हूँ बार बार, सम इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई। मुझे बताइए ये जो हमारा सी लैंग्वेज का एक्सप्रेशन है, ठीक है, काम करते इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, एक मिनट रुक जाइए, सो देट आपको और क्लियर हो जाएगा। देखने दीजिए मुझे ये थोड़ा सा, ये जो हमारा कोडिंग प्लेटफॉर्म है ये थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए था, हाँ। देखिए आई होप अब आपको ये विजिबल होगा, विजिबल है कि नहीं है, या इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, हाँ। प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो हम डिस्कस कर चुके हैं, आ जाइए, ठीक है, हाँ। देखिए ये जो स्टेटमेंट है सम इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई, मुझे बताइए सी लैंग्वेज होगी, सी प्लस प्लस हो, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन इवोल्यूशन है बेटा, ये होता है राइट टू लेफ्ट, यानी ये कौन सी डायरेक्शन में होता है, राइट टू लेफ्ट। अब ये राइट टू लेफ्ट का मतलब क्या, यानी पहले सम प्लस ए ऑफ आई किया जाएगा, फिर ये जो वैल्यू है
ये जो लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल लिखा हुआ है इसको असाइन की जाएंगी। जैसे कि सबसे पहले तो मुझे बताइए ये अरे की इंडेक्स दे देता हूँ मैं 0, 1, 2। मुझे बताइए ए ऑफ 0 में क्या है 10। सबसे पहले यहाँ पे जब आई की वैल्यू 0 होंगी, ये लीजिए मैं आपको करके बता देता हूँ, आई की वैल्यू जब 0 होंगी तो कंट्रोल जाएगा आई इक्वल टू 0 इनिशियलाइज होगा, 0 less than 3 यस अंदर गए, ए ऑफ 0 में आ जाएगा 10। जल्दी बताइए सम में क्या लिया है मैंने 0, जल्दी बताइए 10 + 0 कितना 10, तो सम हमारा ओवरराइट हो जाएगा 0 के ऊपर 10। ओके उसके बाद क्या हो जाएगा i++ यानी i कितना हो जाएगा 1, जल्दी बताइए 1 less than 3 यस अंदर गए तो a ऑफ 1 यहाँ पे आ जाएगा 20, सम में क्या है 10, 10 + 20 कितना 30, 30 विल बी असाइन टू सम, यानी कि ये जो हमारा 10 है ये हमारा ओवरराइट हो जाएगा कैसे 30 से। ठीक है नेक्स्ट i++ कंट्रोल फॉर लूप से ऊपर आएगा और ये हमारा हो जाएगा इंक्रीमेंट। ठीक है i = 2 यहाँ पे चेक होगा 2 less than 3 यस अंदर गए, a ऑफ 2 पे क्या है 30, जल्दी बताइए 30 + 30 कितना 60, 60 विल बी असाइन टू सम, यानी ये 30 के ऊपर ओवरराइट क्या हो जाएगा हमारा 60। और उसके बाद i हमारा क्या हो जाएगा 3, 3 less than 3 कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी, नीचे आ जाएंगे तो हमारा ये जो सी आउट, ये देखिए दिख नहीं रहा है यहाँ पे सी आउट सम, ये सम हमारी क्या हो जाएंगी 60 प्रिंट हो जाएंगी। आई होप आप समझ रहे हो, यानी कि इस प्लेटफॉर्म ने हमसे क्या किया कंप्लीट कोड लिखवाया। ठीक है अगर हमें कंप्लीट कोड नहीं लिखना है तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन अगर हमें देते हैं बना के तो हम उसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। आइए कैसे मैं आपको बता दूं, जल्दी से मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ, मुझे फिर सिर्फ ये फंक्शन डेफिनेशन कंप्लीट करनी है और मुझे यहाँ पे ये आंसर रिटर्न करना है। चलिए इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। गिवन एन इंटीजर अरे ARR, ठीक है ऑफ साइज n, द टास्क इज टू फाइंड सम ऑफ इट। ओके जैसे कि n की वैल्यू 4 है और अरे दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 तो आउटपुट आना चाहिए 10। ठीक है n की वैल्यू 3 है 1, 3, 3 तो आउटपुट आना चाहिए 7। ठीक है योर टास्क देखिए कंप्लीट द फंक्शन सम विच टेक्स अरे ARR एंड द सिंगल इंटीजर n एज इनपुट पैरामीटर्स, यानी कि एक फंक्शन है सम नाम का जिसको दो पैरामीटर आ रहे हैं, एक अरे ARR नाम का और एक n नाम का वेरिएबल जो अरे की साइज है। ठीक है एज इनपुट पैरामीटर्स एंड रिटर्न द इंटीजर डिनोटिंग द आंसर, यू डोंट, ये क्या लिखा हुआ है यू डू नॉट टू प्रिंट आंसर और टेक इनपुट्स, यानी आपको कुछ भी करना नहीं है। ठीक है एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होनी चाहिए n होनी चाहिए और ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होनी चाहिए बिग ऑफ 1। ठीक है ये ऑक्सिलरी स्पेस यानी कि एडिशनल स्पेस आपको ये नहीं करनी है, इन्होंने जो अरे बना के दिया उसमें ही काम करना है। कंस्ट्रेंट n की वैल्यू क्या होंगी 1 से लेकर 10 to the power 5 और ईच अरे वैल्यू होंगी 1 से लेकर 10 to the power 4 के बीच में। आई होप आप समझ रहे हो, देखिए कंस्ट्रेंट से हमें पता चलेगा कि हम कौन सा डेटा टाइप से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है मैं इस कोड को कंप्लीट कर देता हूँ फिर मैं आपको एट लास्ट ये ड्राइवर्स कोड क्या है वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ फिर से int s = 0 ले लेता हूँ। ठीक है जो हम सम नाम का वेरिएबल रिटर्न करवाने वाले हैं, फिर मैंने यहाँ पे एक फिर से फॉर लूप लगा दिया। फॉर लूप कैसे लगाया भाई हमने int i = 0 i < n। ठीक है उसके बाद i++। ठीक है और हमने इस फॉर लूप में करना क्या है s = s + ARR अरे का नाम क्या है यहाँ पे ARR। देखिए कैसे पता ये यहाँ पे फंक्शन में पैरामीटर आए हुए हैं। ठीक है अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, मुझे बताइए यहाँ से इसको अगर हमें क्या करना है एक काम करते हैं, ये कोडिंग क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है इस प्लेटफॉर्म को अगर हमें बड़ा करना है तो ऐसा कर सकते हैं क्या, हाँ ओ सॉरी ये ज़्यादा ही बड़ा हो गया, हाँ देखिए इधर हाँ क्या है ये, हाँ फॉर इंट i = 0 i + s = s + ARR of i यहाँ पे लगा देते हैं हम सेमी कोलोन और ये फॉर लूप हमारा क्या कर देगा सम फाइंड कर लेगा और हमें यहाँ पे क्या करना है रिटर्न करना है। ठीक है रिटर्न s और हम इसको क्या कर देते हैं कंपाइल एंड रन कर देते हैं। ठीक है देखिए यहाँ पे आउटपुट आएगा हमारा, आउटपुट स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, हाँ देखिए क्या आ रहा है कंपाइलेशन कंप्लीट, देखिए 4 और 10 आना चाहिए था आ गया। ठीक है चलिए इसको सबमिट कर देते हैं, देखते हैं सबमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखिए नहीं भी हुआ तो कोई एरर होंगी रन टाइम एरर, हाँ टेस्ट केस प्रोसेस्ड, देखिए GFG पे सबसे ज़्यादा टेस्ट केस होते हैं इसीलिए मैं नेक्स्ट क्लास पे आपको जो कोड करवाऊंगा वो हम मेनली स्टार्ट कहाँ से करेंगे कोडशेफ और कोड स्टूडियो से। ठीक है कोडशेफ इसलिए क्योंकि वहाँ पे कंप्लीट कोडिंग करनी होती है, कोड स्टूडियो इसलिए क्योंकि वहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है ड्राइवर्स कोड, यानी कि ड्राइवर्स कोड लिखा होता है कोर पार्ट हमें कंप्लीट फंक्शन की डेफिनेशन कंप्लीट करनी होती है। आई रिपीट ध्यान से सुनिए कोडशेफ पे हमें कंप्लीट कोड करना पड़ता है इसीलिए हम कोडशेफ भी यूज़ करेंगे स्टार्टिंग के क्वेश्चंस के लिए।
और कोड स्टूडियो भी यूज करेंगे। कोड स्टूडियो इसलिए क्योंकि वहां पे हमें पूरा कोड नहीं करना पड़ेगा, ड्राइवर्स कोड लिखा रहेगा, सिर्फ हमें फंक्शन की डेफिनेशन कंप्लीट करनी होगी। ठीक है, हाँ देखिए ये पूरे टेस्ट केस पास हो गए, इसका बोलना है ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, इसका कोई इतना रोल नहीं है। और रही बात की ये ड्राइवर्स कोड, तो देखिए मैं आपको ड्राइवर्स कोड भी दिखा देता हूँ। ठीक है, हाँ इसको छोटा कर देते हैं, देख लेते हैं ड्राइवर्स कोड। देखिए क्या है ड्राइवर्स कोड, यानी यहाँ पे उसने इंटीजर मेन और अरे इनिशियलाइज किए होंगे, अगर टेस्ट केस है तो टेस्ट केस का भी प्रोविजन किया हुआ है, आई होप आप समझ रहे हो। और ये देखिए स्टार्टिंग का ड्राइवर्स कोड। ठीक है, फिलहाल मैं इस क्लास को यहीं एंड करता हूँ। टेस्ट केसेस क्या होते हैं और टेस्ट केसेस की नीड क्या है, या क्यों कोडिंग प्लेटफॉर्म्स हमें टेस्ट केसेस के फॉर्म में इनपुट लेने लगाते हैं, टेस्ट केसेस पास हमें क्यों करने होते हैं, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल मैं इस क्लास को यहीं एंड करता हूँ।